BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। यहाँ हाथस नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा ने पूरे व्रत के साथ में सफाई अभियान चालू कर दिया है। वहीं नालों की, जो बरसात से पहले नालों की सफाई का कार्य चल रहा है, वहीं हम आज पहुँचे हैं अलीगढ़ रोड स्थित इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ काफ़ी गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों के सामने अतिक्रमण कर रखा है और उसकी वजह से तमाम नाले सीज हुए पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। आइए हम मुलाकात कर रहे हैं चेयरमैन साहब से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके क्या विचार हैं आइए जानते हैं। अभियान अब और सफाई अभियान चल रहा है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे तुम्हें? देखिए, हम लोग समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से पिछले 15 दिन पहले हमने अपील की थी कि सभी गणमान्य नागरिकों से कि अपने आगे जो नाले नालियाँ उनके ऊपर से पक्के जो अतिक्रमण को हटा लें, जिससे कि नालों की सफाई से आज सफाई कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने प्रॉपर रूप से नहीं हटाया। मेरा आपके माध्यम से जनसामान्य से अनुरोध है कि जिस प्रकार नाले अटे पड़े हैं उससे गंदगी भी फैलती है, मच्छर भी हैं और भी बीमारियां फैलती हैं। जब तक ये नाले साफ़ नहीं होंगे तो जल भराव की स्थिति आएगी। सभी से आपके माध्यम से और मेरा पुनः हाथ जोड़ का अनुरोध है सभी जनता से कि नाले नालियों पर रखे पक्के निर्माणों को तुरंत हटा लें। अगर उनको कोई ऐसा करना है तो अस्थायी निर्माण के रूप में, जिससे समय समय पर नाले नालियाँ साफ़ हो जाएँ। और हमारा ये प्रण है कि हम कोशिश करेंगे शहर को साफ करने के लिए, इसके लिए हम तत्पर हैं और इसके लिए हमको कोई भी अतिक्रमण हटाना पड़ा उसे हटाएंगे। कार्य के पथ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हाथरस के चेयरमैन आशीष शर्मा आज नमल नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक पोलिया ध्रस्त हो गई है उसका निरीक्षण किया है और तेज गति से काम कराने का प्रयास कर रहे हैं और निर्देश दिए हैं। आइए मुलाकात कर रहे हैं चेयरमैन साहब से, उनकी क्या बताएं सर जो आज आपने आपने हाथरस क्षेत्र में लगभग 80% जगह जगह पुलियाँ टूटी पड़ी हैं। इस समय बरसात का माहौल है और ये नमल नगर की काफ़ी पुरानी समस्या और एक भूरा नगला और अन्य गांवों को जोड़ने वाली भी रोड है, तो इसकी पुलिया काफ़ी दिन से परेशान है लोग और ये जल भराव की भी समस्या है यहाँ पर। इसको देखते हुए इस पर काम शुरू करा दिया गया है, लोगों की समस्या दूर हो जाए और इस प्रकार की सभी पुलियाँ जो कि शहर में हैं उन पर तेज़ी से कार्य चलेगा। इसके साथ साथ जल भराव को लेकर नालों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है, आपने जगह जगह देखा हो, JCB से लेबर के माध्यम से, और मैं आपके माध्यम से अपने SI और EO को ये निर्देश देता हूँ कि अगर जल भराव की समस्या आई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कह दिया है जल भराव की समस्या के लिए EO आदि को भी बख्शा नहीं जाएगा यदि समस्या आती है तो। मैं कैमरामैन स्वयं के साथ महेश चंदेले, BBCN न्यूज।